हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए हम सब जो है 21 से लेकर के 50 तक जो नंबर होते हैं उनके विषय में जो है पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आज हम जो है राइटिंग नंबर वर्ड में हम नंबर को कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे और किस तरीके से उसको लिखा जाता है। जैसे 21 से लिखा है दोस्तों 21, इसको वर्ड में लिखेंगे तो आप 20 का एक्चुअली पहले TWENTY 21 फिर इसके बाद यहाँ ON1 इस तरीके से आप 21 लिखेंगे। ठीक है, देखिए आपके बुक में पेज नंबर 75 पर सबसे ऊपर दिया है 21 से लेकर के 50 तक के नंबर। यहाँ पर वर्ड और फिगर दोनों में लिखा हुआ है, एक फिगर में है और यह वर्ड में। ठीक है, इसको नुमरेर में भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये आपका वर्ड में। ठीक, ऐसे आप लिखेंगे। अब मान लीजिए आपको ये नंबर मिल गया, ठीक, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये देखिए 35, इसको आपको रीडिंग करने आएगा, जो रीड करते हैं वही आपको वर्ड में राइट कर देना है। इसको पढ़ते हैं कैसे रीडिंग करते हैं, 35 दिखा देते हो, इसको 35 को आप वर्ड में लिखते हो उसी को इंग्लिश वर्ड में, तो 30 का रीडिंग क्या होता है, TSIRTY 30, उसके बाद 5 का रीडिंग FIVE, इस तरीके से ये 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, इसमें देखिए ऐसे सियोर सेल्स है पेज नंबर 75 पर आपका। ऐसे सियोर सेल्स में केवल एक ही क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है आपको। अभी आप देखिए जो लिया लिखा गया है इसको इस्तेमाल कीजिए। बुक में आप देख रहे हैं फर्स्ट लेटर है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद इस्तेमाल ONE और यहाँ पर FIVE और इसके बीच में आप ऐसे लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, आइए ऐसे से और सिर्फ ऐसे योर सेल्फ में भी इसी तरीके के क्वेश्चन है आपको। बहुत छोटा टॉपिक है, केवल किसी भी नंबर को जो 20 से लेकर के 20 से 22 50 तक के नंबर आपको मिलेंगे चैप्टर में, उसको वर्ड में लिखना है। जैसे बुक में देखिए ऐसे योर सेल्फ में आपका क्या है, ऐसे प्योर सेल्स में आपको क्वेश्चन लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड। क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखा है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड इन, मतलब नीचे लिए लिखे गए नंबरों को संख्याओं को वर्ड्स में लिखिए, शब्दों में लिखिए, इसका मतलब ये है। तो आपको इसमें नीचे नंबर दिया गया है, कुल 8 नंबर है, 8 क्वेश्चन है। तो आपका इसी तरीके जैसे हमने बताया, मान लीजिए यहाँ पर आपको ऐसे दिया है क्वेश्चन, एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं, आप उसमें का नंबर करिए। इस तरीके से आपको मान लीजिए दिया है 43, फिर उसके बाद आपको दिया है यहाँ पर 37। अब इसको आप
तो इसके आगे वो आपका बना दिया है बाप। इस बाप में आपको उसको नंबर दो वर्ड में लिखना है, ऐसे बना है। और क्वेश्चन है आपको दे सकते हैं आप इसको किसी देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपका उसमें दिया गया है जिसको आपको वार्ड में लिखना है। ऐसे आपको बना हुआ है ऐसे से और सिंपल नंबर 75 पर आप देखेंगे तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। केवल एक ही प्रकार का उसमें क्वेश्चन है। जैसे यहाँ लिखा है 43 तो 43 को आपको वर्ड में लिखना है। तो पहले 40 का स्पेलिंग आप लिखेंगे यहाँ पर FORTY। उसके बाद 43 तो ऐसे आप लगा देंगे और यहाँ पर FORTY हो जाएगा आपका। 43 को इस प्रकार से वर्ड में आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका 37 उसके बाद सेवन की स्पेलिंग आप लिखेंगे यहाँ पर FEVER। ऐसे आपको वर्ड में लिखना है। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 29 का है। इसको पहले जिस तरीके से आप रीडिंग करते हैं इसका उसी को आपको वर्ड में यहाँ पर राइट कर देना है। ठीक है इंग्लिश वर्ड में तो इसको पढ़ेंगे आप 29 तो 23 EWEMEY 20 उसके बाद 9 इस तरीके आप लिखेंगे MINE। इस तरीके से बच्चों कर रही है। उसके बाद 26 है तो यहाँ पर 26 मिलेंगे पहले 20 उसके बाद 6 स्पेलिंग आप LIS। इस तरीके से आप इसको वर्ड में लिखेंगे। ये ऐसे से और से आपका इसको कर लेंगे। उसके बाद तेज तैरिंगा ये आज जो है आपका चैप्टर समाप्त रहेगा। तेज तैरना जो आप पीछे आप पढ़े हैं ठीक है केवल उसी तरीके का क्वेश्चन तेज तैरना में आपको देखने को मिलेगा। देखिए टू टाइप क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन ए सेरिना में बच्चों क्वेश्चन नंबर एक देखिए आप देखिए लिखा है एक्सपेंड नंबर इन 10 and 1 इन 10 and 1 10 and 1 में ये जो नंबर दिया गया है आपको उसको एक्सपेंड करके लिखना है। देखिए जैसे कोई भी नंबर हो सकता है आपका इसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे। जैसे हमने लिख दिया 46 में बच्चों आप देखेंगे
लिखना है, यहां पर क्या है 10 एंड यहां पर ब्लैक बना है और यहां क्या है 1। ठीक इसी प्रकार से अदर एग्जांपल, यहां पर ऐसे क्या है 10 और एंड 1। और अदर क्वेश्चन लेते हैं, टेन एंड 1। इस तरीके से क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर ए में आप देखेंगे बच्चों, आपको देखना है इसमें कि 46 में 10 के प्लेस पर कौन सा नंबर है और 1 के प्लेस पर कौन सा नंबर है। तो आप जानते हैं राइट हैंड साइड से आपका 1 प्लेस क्या होता है, फिर उसके बाद 1 10 100 इस तरीके से आगे बढ़ता है लेफ्ट तरफ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 के प्लेस पर क्या है 4 है। ठीक है, और 6 1 के प्लेस पर है, तो 6 को 1 के प्लेस में आप यहाँ पर फिट करेंगे और 4 को 10 के प्लेस में फिट करेंगे, तो 4 10 यानी कि 4 10 10 आपका लिखा ही है, आप यहाँ 4 फिट कर देंगे तो 4 10 हो जाएगा एंड 6 1 तो यहाँ पर 6 बचेंगे तो आपका 6 1 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 नीचे वाला जो है उसको करेंगे, 23 में आप जानेंगे कि 2 10 है और 3 1। ये आपको यही पहचान करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया है कि आप जो है पहचान ले कि 2 डिजिट के नंबर में कौन 10 होता है और कौन 1। तो आप जानेंगे 2 डिजिट की जो नंबर होता है वो राइट साइड में जो होगा वो 1 होगा और लेफ्ट साइड में जो होगा वो 10 होगा। तो 23 में आप 2 को क्या लिखेंगे 10, उसके बाद 3 को क्या लिखेंगे बच्चों 1 31, उसके बाद लास्ट वाले में आप देखेंगे यहाँ पर 31 लिखा है, 31 में 3 10 होता है तो यहाँ 3 10 लिखेंगे और 1 1 होता है तो यहाँ पर 1 को 1 के पर लिख देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ए जो आपको दिया है फ्रेंड द नंबर 10 एंड 1, जो नंबर दिया गया है उसको 10 और 1 में उसको एक्सपेंड कीजिए, मतलब विस्तार कीजिए, विस्तार मतलब फैला करके लिखिए। ठीक है, ये बच्चों आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसके बाद बच्चों टेस्ट एरिना में पेज आप देखेंगे 76 पर, पेज नंबर 76, पेज नंबर 75 से लेकर 76 तक ये आपको देखना है। 76 पर आपका क्वेश्चन नंबर बी दिया है, क्वेश्चन नंबर बी इसमें क्या लिखा है, क्या करना है भाई, लिखा है राइट द नंबर फॉर इवेंट, राइट द नंबर फॉर इवेंट टेंस एंड वन एंड 1। इसमें लिखा है बच्चों देखिए हम स्पेलिंग पूछते पूरा है, राइट द नंबर फॉर गिवन 10 एंड 1, जो आपको नंबर 10 और 1 में दिया हुआ है। ठीक है, 10 और 1 आपको दिया है, मतलब
करना है, ठीक है, कौन सा नंबर क्रिएट होगा बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर वन लिखा है, मान लीजिए फोर, ये हम अपने से क्वेश्चन ले रहे हैं, फोर टेन, फोर यहाँ पर लिखा है, उसके बाद टेन एंड यहाँ पर मान लीजिए थ्री वन, इस तरीके से क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर फाइव टेन एंड वन, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन लिखिए आप, उसको आप क्वेश्चन लिखे से बना बना लीजिए, ठीक है, सी यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद टू टेन एंड थ्री वन, इस तरीके से क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर थ्री में मिलेगा। और इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आप पढ़ेंगे, राइट द नंबर, आप नंबर लिखिए, ठीक, हाफ इसके लिए गिवन जो दिया है टेन एंड वन, जो टेंथ और वंथ में नंबर दिए हैं उनको आप नंबर के रूप में यहाँ पर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लाइन खींचा हुआ है, आप देखेंगे लाइन के ऊपर आपको नंबर उसको लिखना है। देखिए फोर टेंथ और थ्री वंथ, फोर टेंथ और थ्री वंथ मिलकर के कौन सा नंबर बनता है, फोर्टी थ्री, फोर्टी थ्री, यहाँ इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर टू है, थ्री टेंथ और सिक्स वन मिलकर के कौन से नंबर बनाते हैं, थ्री सिक्स और सिक्स वन, तो आप साइन थर्टी सिक्स, इस तरीके से नंबर आप लोग लिखते लेना है। अगला है देखिए थर्ड क्वेश्चन, टू टेंथ एंड थ्री वन, तो टू टेंथ है तो टू टेंथ के प्लेस पर आप लिखेंगे, और थ्री वन है तो आपको थ्री को कहाँ लिखना है, वन के प्लेस पर। तो ये इस प्रकार से कौन सा नंबर बन जाएगा, ट्वेंटी थ्री। आपको केवल यह देखना है जो टेंथ की प्लेस पर है उसको आप पहले लिखेंगे, मतलब उसको लेफ्ट में लिखेंगे, और जो वन के प्लेस पर है उसको आप राइट साइड में लिखेंगे उसके। तो इस तरीके से आपका जो दोनों डिजिट को मिला करके नंबर क्रिएट हुआ, ये हो गया आपका फोर्टी थ्री, इस तरीके से यहाँ थर्टी सिक्स, तरीके से यहाँ ट्वेंटी थ्री, ये नंबर आज बनेगा, उसको आप रीड करेंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर भी समाप्त हो गया, इसको आप देखिए हमने एक एग्जांपल के तौर पर अपने तरीके से समझाया हूँ, इसको आप जो है क्वेश्चन में जो दिया है उसको आप अपने से सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद इसमें आपको दिया है बच्चों मेंटल मैथ एक्टिविटी, ये आप अपने से करने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए लिखा है 32, 20, 28, इस तरीके से ये नंबर दिया गया है। इसको इसमें लिखा है कि अरेंज आर्डर, किस आर्डर में उसको अरेंज करना है, तो दिया है असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर यहाँ पर दिया है, असेंडिंग आर्डर पहले वाले में, दूसरे वाले में डिसेंडिंग आर्डर, तो उस तरीके से आप उसको करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन उसमें करके दिखाया है, आप उसको यहाँ पर मान लीजिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, वहां बदल में लिखा है, वहां लिख रहे हैं को
क्वेश्चन आपका कोई हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपको दे दिया 32, 21, 11, 46, 2 इस तरीके से आपको नंबर दिया गया है चार की। ठीक है बच्चों, उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नीचे वाले बाग में यहाँ पर खाली है बाग, इसमें इसमें आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है बच्चों, वो सबसे छोटे से आप प्रारंभ करेंगे, मतलब इसमें जो नंबर सबसे स्मॉल होगा उसको आप पहले लिखेंगे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यही जो होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे स्मॉल इसमें कौन है, तो आप पाएंगे सबसे लास्ट वाला टू है, तो उसको आप पहले लिखेंगे। अब टू के बाद कौन है, टू आपका हो गया, जिसको आप टिक लगा चुके हैं उसको आपको ध्यान में देना है। उसके बाद सिक्स का नंबर है, जो बचा है नंबर सिक्स सबसे स्मॉल है। अब ये भी हो गया आपका, इसको भी आप टिक लगा चुके हैं। उसके बाद जो नंबर बचा 1, 4, 3, 4 इसमें सबसे स्मॉल कौन है, तो आप पाएंगे 11 है, तो 11 लिखेंगे। अब 11 को भी टिक लगा देंगे आप, कौन कौन सा नंबर बचा बच्चों, 1, 2 और 3 तो ये तीनों नंबर में कौन सबसे स्मॉल है, तो आप पाएंगे 21, तो यहाँ 21 लिखेंगे। और ये भी आपका स्पष्ट हो गया, दो नंबर आपका बचा है 32 और 46, तो 32 पहले लिखेंगे क्योंकि 46 से स्मॉल है, उसके बाद लास्ट में आपका 46 आ जाएगा। ये बच्चों आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े के क्रम में लिखते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। ठीक इसी प्रकार से इसी को इसी नंबर को यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसी एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए आप, उसके बाद आप एंटर मैन एक्टिविटी अपने से कर लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बच्चों, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब बड़ा नंबर के बाद छोटा नंबर आप लिखते जाएंगे, बड़ा से छोटा के क्रम में। तो आप सब देखेंगे, सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो आप पाएंगे यहाँ पर 46 को आप पहले लिख देंगे। अब 46 पर आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं, ये समाप्त हो गया, उसको ध्यान देना है। अब आगे वाले नंबर में देखिए 1, 2, 3 और 4, 5 नंबर में कौन सबसे बड़ा है, तो आप 32 को पाएंगे, यहाँ 32 लिखेंगे, ये भी समाप्त हो गया। अब उसके बाद आप देखिए 4 नंबर आपका बचा है 21, 11, 6 और 2 इसमें सबसे बड़ा कौन है, 21 है, 21 को आप ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। फिर उसके बाद आपका 3 नंबर बचा है 11, 6 और 2 11, 6 और 2 में कौन सबसे बड़ा है, 11 है, 11 आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 11 के बाद आप कौन सा नंबर बचा, 6 और 2, तो 6 बड़ा है, ध्यान रखेंगे। और लास्ट में सबसे स्मॉल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी दिए गए नंबर को लिख सकते हैं, जो कि आपका मेंटल मैथ एक्टिविटी में पेज नंबर 76 पर लिखा है, उसको आप ये पूरा फिल करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है डाटा हैंडलिंग स्टार्ट होगा, इसको हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।